बुद्धीचे देवता गजाननाचे घरोघरी आगमन झाले आहे. त्यानिमित्त उल्वेनोड येथे उल्वे सामाजिक संस्थेच्या वतीने गणेशोत्सव साजरा करण्यात येत असून उल्वेनोड सेक्टर 17 येथे उल्वेचा विघ्नहर्ता विराजमान झाला आहे. या गणरायाचे माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी भेट देत दर्शन घेतले. दरम्यान यावेळी संस्थेच्या वतीने बांधण्यात आलेल्या वाचनालयाचे उद्घाटन माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी गव्हाण ग्रामपंचायत उपसरपंच विजय घरत, सदस्या योगिता भगत, भारती सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष अवधेश महतो, भाऊ शेठ भुईर, सुजाता पाटील, सुहास भगत, शेखर काशीद, सचिन आवटे, पल्लवी सुर्वे, अनिल सनस, वांची एस गुड्डू कनोजिया, अमित झा, किरण लोहकरे, बिरुदेव गडदे, पांडुरंग विभूते, सुजाता पाटील, अलगू कनोजिया, ओमकार कदम, मोहन गाडे, मनोज सिंग, सागर रंधवे, अविनाश कजबजे, नरेंद्रनाथ तिवारी, सचिव मनोज कुमार मौर्य, ॲडव्होकेट सुनील मौर्य, विकास सिंग, राजकुमार सिंग, गौतम कुमार, सुभाष पांडे, संदीप सिन्हा, जोहरलाल चव्हाण, संजीव कुमार ठाकूर, संदीप कुमार, मिसा महतो, मंजू मौर्य, रश्मी गौतम, अंजू मौर्य, सुमन सिंग यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. तसेच यावेळी भारती सामाजिक संस्थेच्या वतीने उल्वेनोड सेक्टर 17 येथील हनुमान मंदिरात आयोजित केलेल्या गायन, फॅशन, नृत्य तसेच लाईन क्लबच्या वतीने आयोजित हस्ताक्षर स्पर्धेला भेट देत विजेत्यांना बक्षीस देऊन त्यांचा गुणगौरव करण्यात आला. जो काम आप लोगों ने हाथ में लिया है और हमें बुलाया, नेतों को प्रेसिडेंट बनाया और इस संगठन का अपना एसोसिएशन जो है, कितना सोसाइटी है, 8 सोसाइटी, तो 8 सोसाइटी ने यहाँ आके एक ग्राउंड बनाने का, पेड़ लगाने का, हनुमान मंदिर का एक काम करने का हाथ में ले लिया. मुझे बोला साहब आपके हाथों से मूर्त होना चाहिए और मुझे बहुत खुशी है कि एक अच्छा काम का आपने अच्छे काम का मुहूर्त मेरे हाथ से किया. लेकिन उससे ज़्यादा मेरे को खुशी है कि आप सब लोग नियमित रूप से यहाँ आके सोशल सर्विस कर रहे हैं और बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं, नागरिकों के लिए इकट्ठा लाके उनके खुशी के लिए काम कर रहे हैं. ये बहुत बड़ी काम है और ये बड़ा काम के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आज योगिता भी बात कर रही थी कि इन्होंने इधर कॉम्पिटिशन रखा, उसके लिए बच्चे बहुत आ गए. तो ये तो आर्ट है लोगों को एक साथ जमा करने का, उनके साथ में मिलजुल के अपन एक साथ अपना एरिया का, सेक्टर 17 का, उल्वा रोड का, किमोना देश का जो तो उन्नति करने का अगर है, तो हम सबको एक साथ आना है. और एक साथ आने के लिए हम ऐसे बोले कौन नहीं आता, कौन नहीं आता, नहीं चलेगा. यह हम लोगों को अपील करना चाहिए. और आप लोगों ने पहले दिन से हर काम जो हाथ में लिया उसमें उल्लसित होके सब काम किया, हनुमान जयंती किया, राम जन्म किया, सब कुछ किया. मतलब ये सब करने के बाद में भगवान ने बोला कि नहीं, इनको आशीर्वाद देना चाहिए और वो आपके सब काम में जरूर आशीर्वाद देगा. मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस तरह से खुशी से हमारी जिंदगी, क्योंकि हम हमारा गांव अलग अलग है, कोई यूपी का है, उत्तराखंड का है, झारखंड का है, बंगाल का है, पंजाब का है, कहाँ का, दक्षिण का भी होंगे. तो ये सब होने के बाद यहाँ आने के बाद हम उल्वे कर क्या हम क्या हो गए उल्वे कर हो गए, मतलब ये महाराष्ट्र हो गए. और ज़्यादा करके इस तरह से हम अगर एक साथ रहेंगे तो जरूर कोई भी आपत्ति नहीं आएगा. अगर कोई आपत्ति आता है तो हम सब मिलजुल के उसको सीधा करेंगे, पार जाएंगे. इसके लिए तुम सबको भगवान मारुति की तरफ से, भगवान गणपति की तरफ से और सत्यनारायण देव से मैं बहुत बहुत खुशी जताता हूँ, तुमको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ.